वेलकम बैक अगेन अनदर ब्लॉग फ्रॉम यूट्यूब चैनल पॉइंट वन में दोस्तों। और अब एक छोटी सी एक राइड करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि पेट्रोल बिल्कुल कम है, तो मैं पेट्रोल भी डलवा के लेके आऊँगा साथ में और थोड़ी सी एक मस्ती वाली राइड करेंगे और थोड़ी सी शॉपिंग भी करके लेके आनी है। तो फिलहाल चलते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल बहुत वो हो चुका है, डीजलों में लग चुकी है बाइक, तो फिलहाल पहले बाइक में डलवाते हैं तेल और उसके बाद चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। चाहिए ही लेकिन अभी फिलहाल क्या है, मैं डलवा आगे हूँ पेट्रोल पंप पर, तेल डलवा लेता हूँ। ₹1000 क्या कर देना, तेल मैंने डलवा लिया है। बट आपने देखा होगा कितना कितना स्लो वर्क कर रहा था यार वो, या हो सकता है कि वो नया लड़का है या फिर ये हो सकता है कि उसकी मशीन स्लो है, प्रोसेसिंग स्लो है। मतलब कि आप काम करो लेकिन ध्यान से करो, अच्छे से करो, या फिर ये वो पॉलिसी जो है अपना रहा है। बट हाँ, जो भी है, अच्छे से तेल डाला है, बढ़िया तेल डाला है। मैंने एक्स्ट्रा तेल, एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाया है, आपको ही पता है गाड़ी है। पानीपत में कौन से एरिया से है ये जो है आप सर्च कर सकते हैं, तो मैं बताना नहीं होगी कहाँ से, पर हाँ ये पानीपत नंबर गाड़ी है, ये अपनी भी एच आर जी है ना। कमाल कर
पानी 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 हो गया यार। एक्चुअली यहाँ पर ना ये रोड बन रहा है ना, ये हाईवे बन रहा है, तो इस वजह से पानी की निकासी इतनी जल्दी हो नहीं रही है। तो जब भी कोई बारिश बारिश होती है या फिर यहाँ पर पानी वाने का काम होता है तो यहाँ पर ना पानी भर जाता है। तो इस वजह से जो है आपको रोड पर पानी देखने को मिल रहा है। मैं पाँव नीचे नहीं लगाऊँगा पर हाँ यहीं से जरूर निकालूंगा। बाइक ने ड्रिफ्ट तो मारा हल्का था मेरी, क्योंकि पानी ज़्यादा था गुजरी मेरी बाइक। बट हाँ अपन डायरेक्ट छोटे हल्के मुझसे गए चल लगे यार, इतना तो चल लगे अच्छी तो आपके लिए कंटेंट निकालना इतना आसान थोड़ा है। आपको तो अरे जस्ट टाइप एक्सपीरियंस हो गए क्या। एक मार्केट है, मार्केट का नाम मुझे ध्यान नहीं है फिलहाल, बट चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो है बड़े वैसे इसको प्याऊ मार्केट बोलते हैं, बट एक और नाम है इसका मेन, मतलब प्याऊ मार्केट से जाना जाता है इसको, लेकिन और नाम क्या है वो मुझे नहीं पता। ये है सारी यहाँ पे जो है मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह की दुकान, यहाँ पे मोबाइल वगैरह मिलते हैं, ये सारी यहाँ पे फाइनेंस वगैरह भी होते हैं मोबाइल में ऑल कंपनी। वैसे मतलब एक्सपेंसिव मोबाइल मैंने पता नहीं किया है, बाकी मैं एक दो बार आया हूँ। मैं ये है चेक कि आपको 20 से 30 हज़ार रुपये वाले जो मोबाइल है वो तो ईजीली अराउंड मिल जाएंगे। बस अरे भाई जगह दे दो मेरे भाई। मुझे अंदर रिएक्शन मिलेगी, जहाँ मिलेगी वहीं पे लेनी पड़ेगी। ओ भाई ये है मार्केट, और जो है जहाँ पे कितना नहीं कोई अच्छी सी भी जगह नहीं थी ना जिसको मंजूर जाए ऐसा नहीं है। आज मैंने अंडरवेयर तो ले लिए, बट क्या है पॉलिथीन बैन है तो इस वजह से पॉलिथीन मुझे नहीं मिली है, और मुझे ऐसे ही जो है अपने सामान को कैरी करके लेके जाना पड़ रहा है। और ये मेरी गलती है क्योंकि मैं घर से कुछ कैरी करने के लिए बैग वैग कोई लेके नहीं आया, पॉली बैग वगैरह कुछ भी खुद से लेके आया हूँ, और वैसे भी बैन है तो वहाँ तो आपको नहीं मिला। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाते कुछ सामान लेने, पैसे उठाए बाइक चाबी उठाई और चल दिए, लेकिन हम कैरी बैग लेके साथ चलना भूल जाते हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम उस टाइम हमें याद नहीं रहता कि भाई पॉली बैग बैन है बंद है। तो खैर नहीं भाई फिलहाल मुझे ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हो रही है ऐसे कैरी करने में। आपका व्यू ब्लॉक हो रहा था थोड़ी सी, मैं उसको आगे रख लेता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा थोड़ा सा। और ये हल्का है, थोड़ा उड़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट क्या करेंगे
नहीं, मेरे अपने बुरे मान जाते यार, क्या करूँ। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता ना, खासकर मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता ना, मतलब जाने जाता हूँ और मैं इस टाइम कोई वीडियो डालता ना, तो मेरे अपने बुरे मान जाते, क्या करूँ यार, धमकियाँ देने लग जाते हैं। मेरी सिस्टर तो ऐसी है, मुझे धमकियाँ देने लग जाते हैं कि मामा को बताऊँ, मेरी बुआ की लड़की है, मामा को बताऊँगी ये वो फलाना। अरे यार क्या करो, वीडियो सर वीडियो भी ना बनाओ क्या, क्या रानी है बेस्ट में बेस्ट। कौन कब कहाँ से एकदम से आके खड़ा हो जाता है ना सामने, पता नहीं चलता। तो यहाँ पे थोड़ी स्लो चलाता हूँ, वहाँ रोड खाली होता है तो तेरा भाई नहीं छोड़ता भाई, मौका नहीं गवाता बिल्कुल भी। लेकिन हाँ इस टाइम पे, शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे थोड़ा सा जो है थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। कब कोई कुत्ता आ जाए, कोई आदमी आ जाए, एकदम से निकलता है यार, थोड़ा सा फर्क चलना पड़ता भाई, करना पड़ता है अपनी राइडिंग, थोड़ा सा मतलब सावधानी वाली राइडिंग करनी पड़ती है। नमस्ते अंकल जी, ये है हमारे वाशरूम अंकल। एक्चुअली ये सारा ना इनके अंदर में देख रेख, मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ यही देखते हैं। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पे, और कल की तरह आज भी लाइट ऑफ, जो भी हमें लाइट जलानी है। शुक्र है भगवान का, हम सेफली घर आ चुके हैं। हेलो गाइस, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, ये बोलना मेरा काम है। भैया कहाँ गए? पापा अंदर।